पब्लिक टीवी आपकी आवाज। देखिए लोकतंत्र में मतदान सबसे बड़ा कर्तव्य है, सबसे बड़ी ड्यूटी है और सबसे बड़ा अधिकार है। ये जो इंक है ये हमारे लिए देशभक्ति का परिचायक है। अगर आपने लोकतांत्रिक हिस्सा जो प्रक्रिया है उसमें हिस्सा लिया है, संविधान ने जो व्यवस्था दी है उसमें अगर आपने भागीदारी की है, तो आप वास्तव में देश के लिए कार्य कर रहे हैं। इसी जज्बे के साथ सभी लोगों को अपने अपने बूथों पर जाकर मतदान करना चाहिए। किसी भी हाल में घर पर ना बैठें, मतदान करें और मतदान के बाद वापस अपने घर पर बैठें। मैं लोगों से अपील भी करना चाहूँगा। सर, आपने जानकारी ली है, सब जिलों में कैसा चल रहा है, जहाँ जहाँ? अभी मतदान बहुत स्मूथ चल रहा है, ठीक चल रहा है, एवरेज परसेंटेज भी बहुत ठीक है। मतलब उम्मीद कर रहे हैं कि शाम होते होते परसेंटेज बहुत अच्छा हो जाएगा और कहीं से कोई घटना अभी तक ऐसी रिपोर्ट नहीं हुई जिससे कोई बड़ी दिक्कत की बात हो। और जो जो छोटी छोटी चीज़ें अगर परेशानियां हमें सूचना में आ रही हैं, तुरंत हम सेक्टर मजिस्ट्रेट को भेज के और उसको रिजॉल्व करा। कमिश्नर साहब, जो गठबंधन कैंडिडेट है चीरा, उन्होंने ओपनली कहा है कि पर्चियों में गड़बड़ हो रही है और जो विशेष समुदाय के उनको रोका जा रहा है। नहीं, जहाँ पे भी ये शिकायत आई है तुरंत वहाँ सेक्टर मजिस्ट्रेट को भेजा गया है। मेरे पास भी जो शिकायत है ये तुरंत वहाँ पे मैंने रवाना किया है। रिजॉल्व करने के बाद हमारे पास रिपोर्ट भी आ रही है कि अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है, कहीं पर्ची की प्रॉब्लम है, जैसे यहाँ पे भी एक पर्ची की प्रॉब्लम आई। अब ये तो वैसा मतदान केंद्र नहीं जिसको वो कहें कि नहीं है, ये किसी एक कम्युनिटी का है, वो उसको भी रिजॉल्व कराएंगे और तुरंत रिजॉल्व कराएंगे। कुछ तकनीकी परेशानियाँ अगर आ रही हैं या कहीं पे व्यू प्रिसाइडिंग ऑफिसर का अगर डिफरेंट हो रहा है, उसमें तुरंत हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट, हमारे संबंधित अधिकारी जाएंगे, वहाँ रिजॉल्व करेंगे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।